In today's video, we discuss about kinds of law by Sir John Salmond. First is imperative law. Imperative law means the rules of action, rule of action imposed upon mere by some authority which enforces obedience to it. Imperative law ये जो है general rules हैं जो कि कोई authority इनको enforce करवाती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ अ कमांड इन्फोर्स बाय सम सुपीरियर पावर. ये कमांड है जिसको कोई सुपीरियर पावर जो है इन्फोर्स करवाती है, जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बता दिए गए होते हैं. जनरल रूल्स जो होते हैं वो सब एप्लीकेबल होते हैं पूरी सोसाइटी पे. उसके बाद जो है इसके बैक बिहाइंड कोई अथॉरिटी होती है, वो जनरल रूल्स बनाती है. उसके बाद सुपीरियर पावर उन रूल्स को इन्फोर्स करवाती है बाय सम पावर. वो पावर जो है फिजिकल या कंपल्जन भी हो सकती है, या थ्रेट देकर भी इन्फोर्स करवाती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक रूल है जो कि किसी एक पर्सन के लिए बनाया गया, तो वो कभी भी इम्पेरेटिव लॉ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, मास्टर ने अपने एजेंट के लिए, सर्वेंट के लिए कोई रूल बनाया है, तो उसने अपने सिर्फ एजेंट के लिए बनाया है, तो वो इम्पेरेटिव लॉ नहीं होगा. जो ऐसा रूल जो कि सब पे एप्लीकेबल हो पूरी सोसाइटी पे, फॉर एग्जाम्पल रूल थेफ्ट से रिलेटेड रूल्स हैं, या क्रिमिनल लॉज वगैरह हैं जो कि सारी सोसाइटी पे एप्लीकेबल है, तो वो इम्पेरेटिव लॉ में आएंगे. There are two kinds of imperative law, divine and human law. Divine laws ऐसे laws होते हैं जो कि खुदा ने जो है rules बना दिए हैं जिनको हमने follow करना है. Divine laws जो imperative law के kinds में क्यों आते हैं, क्योंकि ये ऐसे laws होते हैं जो कि सब पे applicable होते हैं पूरी दुनिया पे, और सब ने इनको follow करना होता है. अगर इसको हम follow करेंगे तो reward दिया जाएगा, अगर हम follow नहीं करेंगे तो इसी दुनिया में hereafter जो है punish मिलेगी. इनको जो है इन्फोर्स करवाया जाता है बाय थ्रेट एंड पनिशमेंट. एंड सेकंड इज ह्यूमन लॉ. ह्यूमन लॉज आर द लॉज बाय एनालॉजी होते हैं. जॉन सैल्मन में जो है, सर जॉन सैल्मन ने फर्दर जो है क्लासिफाई किया है ह्यूमन लॉज को. इसमें सिविल लॉज, मॉरल लॉज जो हैं, ये सारे लॉज जो हैं ह्यूमन लॉज में आ जाते हैं, जिनको इम्पोज या इन्फोर्स जो है स्टेट या मेंबर ऑफ सोसाइटी या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं. सेकंड इज़ फिजिकल और साइंटिफिक लॉ. फिजिकल लॉज आर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिफॉर्मिटीज़ ऑफ द नेचर एंड जनरल प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग द रेगुलरिटी. फिजिकल लॉज जो होते हैं ये जो हमें यूनिफॉर्मिटीज़ ऑफ नेचर के बारे में बताते हैं कि नेचर में जो है नेचर में किस तरह से यकसानियत है इस दुनिया में. सभी एक असूल के मुताबिक सारे काम कर रहे हैं और इसी के ही पाबंद है, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग आ जाते हैं. लिविंग में लॉ ऑफ एवोल्यूशन आ गया एंड लॉ ऑफ ग्रोथ आ गया, जिससे जिसमें चेंजेस आती रहती हैं. एंड नॉन लिविंग में फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी आ गया कि एक बार ऐसे लॉज होते हैं कि एक बार टूट जाएँ तो ये दोबारा जो है लॉ नहीं इनको कंसिडर किया जाता. एंड देन ह्यूमन लॉज चेंज फ्राम टाइम टू टाइम एंड फ्राम कंट्री टू कंट्री, बट फिजिकल लॉज आर इनवेरिएबल फॉर एवर. ह्यूमन लॉज का हमने जो है इम्पेरेटिव लॉ की काइंड्स में इसका जिक्र किया, तो जो ह्यूमन लॉज होते हैं ये चेंज होते हैं टाइम टू टाइम एंड कंट्री टू कंट्री, लेकिन जो फिजिकल लॉज होते हैं वो इनवेरिएबल होते हैं. प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ विच आर टू बी फॉलोड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिजल्ट इन प्रैक्टिकल और टेक्निकल मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ हेल्थ. प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो कि हमारी प्रैक्टिकल वर्किंग से रिलेटेड हैं. इसमें जो है हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए कोई काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है हमारे पास सेम आए, उसके रिजल्ट में जो है यूनिफॉर्मिटी हो, यकसानियत हो. इस एग्जांपल में जो है हेल्थ से रिलेटेड आ जाएंगे लॉज, कि हमें जो है किसी बीमारी के रिलेटेड रूल्स बताए गए हैं उनको हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा. या जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी जो है लॉज इसमें आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है जो कि पेंट्स बनाती है, तो वो सेम रूल्स को फॉलो करते हुए सारी सेम कैटेगरी की पेंट बनाएगी. फोर इज नेचुरल और मॉरल लॉ. बाय नेचुरल और मॉरल लॉ इज मीन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट एंड रॉन्ग, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. नेचुरल और मॉरल लॉ जो है ऐसे लॉज होते हैं जो कि हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में बताते हैं, नेचुरल राइट एंड रॉन्ग के बारे में, कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. इसके एग्जांपल में सारे जो हैं राइटफुल एक्शंस आ जाएंगे. और नेचुरल लॉज हैज़ बीन कॉल्ड एज डिवाइन लॉज भी इसको कहते हैं. योर लॉ ऑफ रीज़न, लॉ ऑफ रीज़न, अनरिटन लॉ, यूनिवर्सल और कॉमन लॉ, इटर्नल या मॉरल लॉ भी इनको कह सकते हैं. बेसिकली जो होते हैं ये सेट बाय गॉड टू मैन होते हैं, जिनको जो है कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, सब ने इनको फॉलो करना होता है. कन्वेंशन लॉ, इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स एग्रीड अपॉन एंड फॉलोड बाय द कंसर्न पार्टीज टू रेगुलेट देयर म्यूचुअल कंडक्ट. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन लॉ इज द लॉज ऑफ क्रिकेट और एनी अदर गेम. कन्वेंशन लॉज ऐसे लॉज होते हैं जिसमें दो पार्टीज होती हैं, जिसके बैक बिहाइंड कोई सुपीरियर पावर या कोई सुपीरियर फोर्स नहीं होती. दो पार्टीज होती हैं जो कि बॉडी ऑफ रूल्स डिसाइड करती हैं और उनको फॉलो करेंगी जो कि वो रूल्स डिसाइड करती हैं. इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट को देखा जाता है और दोनों किस बात पर एग्री करें, वैलिडिटी को देखा जाता है.
अगर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट उनको फॉलो करना ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल में जो है कन्वेंशन लॉ के एग्जाम्पल में लॉज ऑफ क्रिकेट आ जाएंगे या किसी और गेम के लॉज आ जाएंगे। इट हैज़ बिन फर्दर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। सालमन में जो है फर्दर इनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रूल्स इन्फोर्स बाय द पार्टीज, रूल्स इन्फोर्स बाय द पार्टीज देमसेल्फ बट नॉट रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। ऐसे रूल्स जो कि पार्टीज खुद इन्फोर्स करवाती हैं जिनको स्टेट स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करती। इसके एग्जाम्पल में जो है क्रिकेट के रूल्स आ जाएंगे या फिर हॉकी के रूल्स आ जाएंगे, हॉकी के रिलेटेड रूल्स या लॉज आ जाएंगे। एंड सेकेंड वन इज रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट, जिसको इन्फोर्स एंड रिकॉग्नाइज स्टेट करती है। इसके एग्जाम्पल में ट्रीटीज एंड कन्वेंशन आ जाएंगी। एंड देन सिक्स इज कस्टमरी लॉ। अकॉर्डिंग टू सैलमन कस्टमरी लॉ मीन्स एनी रूल ऑफ एक्शन विच इज एक्चुअली ऑब्जर्व बाय मैन। कस्टमरी लॉ सैलमन के अकॉर्डिंग ऐसे लॉज हैं जो कि लोग जिनको खुद फॉलो कर रहे हों, काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हों जिनको। एंड देन व्हेन अ कस्टम इज फर्मली स्टेब इट इज़ इन्फोर्स बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। कस्टम इज़ नॉट लॉ बाय इटसेल्फ बट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम क्या होता है? कस्टम एक ऐसी रिवायत है जो कि बहुत से लंबे अरसे से चली आ रही हों, मेजोरिटी उनको फॉलो कर रही हो। और कस्टम कस्टमरी लॉ में कब चेंज होता है? जब उसको लीगल अप्रूवल मिलता है और वो उसको बाइंडिंग नेचर कंसीडर किया जाता है और स्टेट जो है इसको इन्फोर्स करवाती है, तब जो है कस्टम कस्टमरी लॉ में चेंज होता है। और सालमन के अकॉर्डिंग जो है ये एक ऐसे रूल ऑफ एक्शन है जो कि एक्चुअली ऑब्जर्व विच इज एक्चुअली ऑब्जर्व बाय मैन, जिनको लोग लंबे अरसे से खुद फॉलो कर रहे हों। एंड व्हेन कस्टम इज फर्मली एस्टेब्लिश इट इज़ इन्फोर्स बाय अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। जब कस्टम जो है फर्मली इस्टेब्लिश होता है तो इसको अथॉरिटी ऑफ स्टेट जो है वो इसको इन्फोर्स करवाती है। एंड देन कस्टम इज नॉट लॉ बाय इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कस्टम खुद लॉ नहीं है लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इसको कंसिडर किया जाता है। देन इंटरनेशनल लॉ। अकॉर्डिंग टू सैलमन इट इज कंसिस्टेड ऑफ दोज रूल्स विच द सॉवरन स्टेट हैव एग्रीड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विथ वन एंड अदर। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर ऑफ टू काइंड्स। दे आर आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। इंटरनेशनल लॉ सालमन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ जो एक एग्रीमेंट है बिटवीन द सॉवरन स्टेट जो है वो आपस में जो डील करती हैं वो एक रूल्स बनाती हैं। उन रूल्स को देख के वो जो है अपनी डीलिंग करती हैं और उन रूल्स को उन्होंने अपनी डीलिंग में फॉलो करना होता है। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं सैलमन के अकॉर्डिंग टू काइंड्स के होते हैं, आइदर ये एक्सप्रेस होते हैं या इम्प्लाइड होते हैं। एक्सप्रेस की एग्जाम्पल में ट्रीटीज एंड कन्वेंशन आ जाएंगी और इम्प्लाइड में कस्टम्स और प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट्स आ जाएंगी। देन सिविल लॉ। इट इज़ द लॉ ऑफ द स्टेट्स रिगार्डिंग द लैंड। रेंट से रिलेटेड लॉ सिविल लॉ अकॉर्डिंग टू सैलमन इज द लॉ ऑफ द स्टेट और द लॉ ऑफ द लैंड और द लॉ ऑफ द लॉयर्स एंड द लॉ ऑफ कोर्ट्स। सैलमन के अकॉर्डिंग सिविल लॉ जो है ये लॉ ऑफ स्टेट है या फिर जो है लॉ ऑफ लैंड है एंड लॉ ऑफ लॉयर्स, या इसको लॉ ऑफ कोर्ट्स भी कह सकते हैं। सिविल लॉ इसकी जो है फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट होती है इसके बैक बिहाइंड। एंड फर्दर जो है सिविल लॉ को कैटेगराइज किया गया है टू काइंड्स में, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन के दरमियान का रिलेशनशिप, स्टेट और सिटीजन के दरमियान का रिलेशनशिप हम पब्लिक लॉ कहेंगे। एंड प्राइवेट और सिविल लॉ हम किसको कहेंगे? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल टूवर्ड्स ईच अदर। राइट्स ऑफ द ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स ईच अदर। पब्लिक लॉ के एग्जाम्पल में कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिमिनल लॉ आ जाएगा। एंड प्राइवेट लॉ के एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी, ट्रस्ट एंड फैमिली लॉज आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गेट क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स।